होगा वो बता देना, कोई मसला नहीं। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एज्यूम। लोग इसे क्या कह रहे होते हैं? एज्यूम। यार एज्यूम करो कि अगर ऐसा हो जाए। ओ भाई एज्यूम नहीं करो, दैट्स कॉल्ड एज्यूम। क्या ये एज्यूम? एज्यूम नहीं, और एज्यूम हो भी नहीं सकता। आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ठीक है को बोलूँ ठीक है तो सही हो जाएगा क्या? टेबल को बोलूँ टेबल तो सही हो जाएगा क्या? नहीं। आप इसको अब बंदा देखो, जैसे ही आप ये कहोगे ना भाई ये एज्यूम नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? एज्यूम पढ़ते हैं। हाँ सी के साथ एज्यूम पढ़ते हैं। लुक अनदर वर्ड, वी ई जी टी ए डी एल ई, क्या होगा बच्चा? दैट्स नॉट कॉल्ड वेजिटेबल, दैट्स कॉल्ड वेजिटेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इस ई को प्रोनाउंस नहीं करते। लोग कहें यार हमें ना पाकिस्तानी इंग्लिश बोलनी है, हमें ना कोई एक्सेंट में नहीं बोलना। बोलो भाई एक्सेंट ही नहीं है, ये तो प्रोनाउंसिएशन है। मैंने कब कहा तुमसे एक्सेंट बोलो? मत बोलो एक्सेंट, मत बोलो अमेरिकन एक्सेंट, मत बोलो ब्रिटिश एक्सेंट, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये तो क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। जैसे तुम मुझे टोकते हो कि आई के बाद डज नहीं लगा सकते, तो इसी तरह इस वेजिटेबल को वेजिटेबल नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ेंगे इसे? वेजिटेबल, वेजिटेबल। एस्यूम, एस्यूम, वेजिटेबल। आ रही मेरी बात समझ में? आप लोग आ रही? लास्ट वी ओ आई सी पढ़ो, दैट्स नहीं नहीं दैट्स कॉल्ड लुक, दैट्स कॉल्ड वॉइस, वॉइस नॉट कॉल्ड वॉइस। क्योंकि अगर आपने इसे वॉइस कर दिया तो ये वाला वॉइस हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और मिस हुआ तो ये वॉइस से वाइफ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहीं तक रोक देना है। बट वॉज दैट वॉइस, दैट इज कॉल्ड प्लमर। यहाँ पर बी प्रोनाउंस नहीं होता, यहाँ बी प्रोनाउंस नहीं होता। गेट माय पॉइंट? प्लमर लिखते प्लम्बर हैं, पढ़ेंगे क्या? प्लमर पढ़ेंगे क्या? प्लमर। समझ में आ रही बात? एस्यूम, वेजिटेबल, वेज ही नहीं करना है, ठीक है, वेजिटेबल, वॉइस, प्लमर। हम कैसे कहें? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। जबकि एक्चुअल में इसकी प्रोनंसिएशन होती है बच्चा, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफ, लुक एट इट, दो सिलेबल आएंगे, कंफ टेबल, आर यू कंफर्टेबल। हम लोग कहते हैं आर यू कंफर्टेबल, अरे भाई नहीं करो यार, ठीक है। व्हाट्स दैट? दैट्स कॉल्ड कंफर्टेबल। व्हाट्स दैट? कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल, ऑलराइट, और नॉट कंफर्टेबल, दैट्स कॉल्ड कंफर्टेबल। देखो कुछ लोग जो है ना एक्सेंट बनाने के चक्कर में अंग्रेजी गलत बोल रहे होते हैं। जैसे एक बंदा आके कहता है आर यू कंफर्टेबल, आपको सुन के तो अच्छा लग रहा है, वो बंदा क्या एक्सेंट है यार, किसकी तरह इंग्लिश बोल रहे हैं सर, आपकी तरह सर, ठीक है। जबकि एक्चुअल में वो क्या है? गलत। नॉर्मली हमारे साथ नाउ व्हाट्स दैट? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अच्छा आप चाहो तो इसे दो तरह से ले, कम पढ़ो पूरा, कम्फ टेबल, आर यू कंफर्टेबल, यस आई एम कंफर्टेबल, एस्यूम आई एम कंफर्टेबल, ईट वेजिटेबल एंड माय वॉइस इज वेरी गुड। आ रही बात समझ में? इसकी दो प्रोनंसिएशन होती है बच्चा, कितनी प्रोनंसिएशन होती है? दो। राइट देना, राइट। हमने प्रेजेंट प्रोनंसिएशंस दो, एक तो आप इसे पढ़ते हो पिज्जा, दूसरा आप इसे पढ़ते हो पिज्जा। आई हैड अ पेनी पिज्जा लास्ट नाइट, आई हैड अ पेनी पिज्जा, पेनी मतलब छोड़े, आई हैड अ पेनी पिज्जा लास्ट नाइट, I had a penny pizza last night. Dono sahi hai. Lekin I had a pizza last night. Get my point? That's absolutely wrong. M-O-N-D. Okay? What's that? Almond. What's that? Almond. Not almond. It's almond. L kya ho jayega yahan pe? Kar jayega. Beta, ja sakte ho. Acha. Now, another word is that, एक वर्ड अक्सर आप देखते होगे, ETC, क्या पढ़ते हैं इसे?
एक्सेट्रा, ठीक है। इसकी राइट प्रोनंसिएशन जो होती है, सुनो सही से, अक्सर लोग इसे इसे कहते हैं एट सेट्रा, एटसेट्रा, अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में। एंड आप को क्या भाई है? पोम, नॉट पोएम। वाज दैट, दैट्स कॉल्ड पोम। इफ समबडी आस्क दिस दिस अ पोएम, से नोबडी, दैट्स नॉट अ पोएम, दैट्स कॉल्ड पोम।